दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, हरियाणा के वरिष्ठतम भाजपा नेता रामविलास शर्मा जी के बारे में करेंगे। रामविलास शर्मा हरियाणा के कब के नेता है, जिस तरीके से राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण अडवाणी जी का कद रहा है, उसी तरीके से हरियाणा की राजनीति में, और यदि हम भाजपा की बात करें तो रामविलास शर्मा जी उसी तरीके की हस्ती हरियाणा में रहे। दोस्तों जहां तक हम संक्षिप्त में उनके बारे में बताएं तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही जुड़ गए थे, यानी एक तरीके से उसको वहां से उनकी राजनीतिक शुरुआत कह सकते हैं आंदोलन से जुड़ने की। लेकिन बाद में वो प्रोफेसर की नौकरी में आ गए, लेकिन उसी जिस तरीके से धुरंधर नेता रामविलास शर्मा है, उसी तरीके से डॉक्टर मंगल सेन भी हरियाणा में सबसे बड़ा कद भाजपा में रहा है, और वो रामविलास शर्मा जी को राजनीति में लेकर आए, और फिर 1980 के दशक से जो उनकी राजनीति रही वो अब तक चल रही है। वो 10 साल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और दर्जनों मंत्रालय उन्होंने समय समय पर हरियाणा की राजनीति में संभाले। जब तक पहले तो वो जो गठबंधन की सरकारें थी, चाहे वो बंसीलाल की सरकार रही हो या ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही हो, तो उनमें वो मंत्री रहे, और 1914 में फिर जब पूरी मतलब भाजपा की सरकार बनी, बहुमत भाजपा का आना, तो वो उसमें भी मंत्री रहे। लेकिन 2019 के बाद उनकी राजनीतिक विरासत थोड़ी ठंडी सी पड़ती दिख रही है। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वेटिंग सीएम रामविलास शर्मा जी वेटिंग ही रह जाएंगे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि 2014 में जब मनोहर लाल जी को हरियाणा का सीएम बनाया गया तो मन महसूस कर रह गए थे, क्योंकि सीनियरिटी के लिहाज से मनोहर लाल जी के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा सीनियर थे, और एक तरीके से कहें तो उनका हक भी बनता था, लेकिन वो वेटिंग सीएम ही रह गए। अब सवाल ये है कि क्या वो वेटिंग सीएम ही रहेंगे, अध्यक्ष भी नहीं बन पाए। उनके अध्यक्ष बनने की भी चर्चाएं चल रही थी कि उसी नियत दोस्त भाजपा के नेता है हरियाणा में, लेकिन वो भी हो नहीं सका। अब लोग चर्चा कर रहे हैं क्या रामविलास शर्मा जी मार्गदर्शक मंडल में चले जा रहे हैं या वर्तमान राजनीति में आने वाले जो हरियाणा के चुनाव है 3-4 महीने में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या उसमें उनको टिकट भी मिलेगा या नहीं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे पत्रकार साथी हैं महेंद्रगढ़ से महेश वैद्य जी। वो महेश वैद्य जी हरियाणा के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, दैनिक जागरण के वो ब्यूरो चीफ रहे हैं और भी कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं। तो महेश वैद्य जी आपका इस रोजाना के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, और लेकिन चूंकि आप उसी जिले के वहीं के रहने वाले हैं और रामविलास शर्मा जी से आपके व्यक्तिगत संबंध भी हैं और आप बहुत गहराई से उनसे जुड़े रहे हैं, तो जो मैंने सवाल उठाए हैं उन पर आप सिलसिलेवार आप मतलब जनता को, दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे। गौतम जी आपका बहुत वाजिब सवाल है, इस समय ये सवाल हवा में तैर रहा है। दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है, जो आप कह रहे हैं कि क्या मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, मेरा मानना है ऐसा हो सकता था अगर भाजपा लोकसभा में मुकाबला 50-50 का नहीं रहता। तो लोकसभा में मुकाबला 50-50 का रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी दबाव में है। तो दादा के नाम से चर्चित हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा, दादा कह देते हैं उनको, तो दादा ऐसे आसानी से हार मानने वाले नहीं। दादा 74
74 के आसपास है, इसलिए उनका 75 का भी नहीं है, और भाजपा 75 का अपना नियम पहले ही तोड़ चुकी है। हरियाणा के चुनाव में रणजीत चौटाला को टिकट दिए, वो 78 है, और भी कई जगह टिकट दिए, और अमित शाह ने खुद ही कह दिया था कि ये कोई मानदंड नहीं है, पार्टी के संविधान में ऐसा नहीं है, इसलिए उम्र के आधार पर रामविलास शर्मा की टिकट नहीं काटी जा सकती, पहली बात। और साइड लाइन लगाने के जो बहाने होते हैं वो इसलिए कम चल पाएंगे इस बार क्योंकि भाजपा के सामने संकट है सत्ता बचाने का, तीसरी बार सत्ता में आने का, ये संकट लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। इसलिए मेरा मानना है मार्गदर्शक मंडल में नहीं आएंगे, टिकट उनको दी जाएगी। हाँ, एक संभावना है कि उनकी टिकट काट करके उनको संतुष्ट किया जाए, उनकी बेटी को नारनौल से लड़ाया जाए या महेंद्रगढ़ से लड़ाया जाए, उनकी डॉक्टर बेटी है आशा नाम है शायद, उनको शायद चुनाव लड़ाया जाए, ऐसी एक संभावना पर विचार किया जा रहा है, विचार चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप ये तो मानते हैं कि डॉक्टर मंगल सेन के बाद शायद वो वरिष्ठतम नेता है भाजपा के हरियाणा में? जी जी जी, और उनकी वो अकेले ऐसा नाम है, अम्बाला से लेकर के फरीदाबाद और इधर महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी तक उस सबको नाम से जानते हैं, सब उन्हें नाम से जानते हैं, और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच निचले स्तर तक और उच्च स्तर तक सब जगह उनकी पहचान है, ये उनका है। तो आप उनके क्या कारण ऐसा मानते हैं कि इतने सीनियर मोस्ट भाजपा के नेता होते हुए और हरियाणा में जब भी भाजपा सत्ता में शामिल हुई वो हमेशा मंत्रिमंडल में भी रहे, तो सीनियर होने के नाते उनका हक जो है सीएम बनने का होता था, लेकिन उनको वो सम्मान जो है भाजपा हाईकमान ने क्यों नहीं दिया, या आप क्या समझते हैं कि उसके क्या कारण रहे कि वो वेटिंग सीएम भी रह गए? गौतम साहब, हमको थोड़ा सा राजनीति को समझना होगा। सुषमा स्वराज जब जीवित थी, केंद्र में मंत्री थी, वो केंद्र में मंत्री जरूर थी लेकिन हरियाणा के किसी भी मामले में उनका हस्तक्षेप हर मामले में रहता था। हाईकमान जो है, चाहे अटल अडवाणी की जोड़ी जो थी, वो सुषमा स्वराज को हरियाणा का मामला दे देते थे, और एक अपवाद को छोड़ करके, कुछ कालखंड को छोड़ करके, रामविलास शर्मा सुषमा स्वराज की पसंद रहे, पहली पसंद रहे। तो पहली बात तो रामविलास शर्मा का सिक्का तब तक चलता रहा जब तक सुषमा स्वराज के मुट्ठी में हरियाणा की ताकत रही, हरियाणा की इनडायरेक्ट बागडोर रही। तो सुषमा स्वराज के जाने के बाद थोड़ा सा रामविलास शर्मा के बुरे दिन आने शुरू हुए, और बुरा दिन इसलिए आया उस समय कि वह 2019 का चुनाव हार गई। 2014 में आपने बताई दिया वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, उनका हक बन रहा था। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब रामविलास शर्मा के हाथ में ताकत थी, बहुत बड़े चेहरे उनको भाजपा में माना जाता था उस दौर में, उन्होंने मनोहर लाल और दूसरे कुछ भाजपा नेताओं को कोई ज्यादा भाव नहीं दिया था, वो उनकी आंखों में किरकिरी बनते थे, तो उनका मौका लगा तो उन्होंने रामविलास शर्मा को बैकफुट पर धकेल दिया। इतना बैकफुट पर नहीं ले जा सकते थे जो उनको मंत्री भी नहीं बनाते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कद था, इसलिए उनको जो केंद्र में उनको राज्य मंत्रिमंडल में, मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। लेकिन आप ये देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उनको दूर कर दिया गया, पर्यवेक्षक आए और रामविलास शर्मा को साइडलाइन करके मनोहर लाल का नाम दे गए। मोदी की भी पसंद मनोहर लाल थे, संघ की भी पसंद मनोहर लाल थे, रामविलास शर्मा उनकी पसंद नहीं बन पाए, अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में चुनाव हुआ, भाजपा चुनाव जीती, पहली बार सत्ता में आई, इसलिए उनको लग रहा था। लेकिन इस पहली बार सत्ता में आने के पीछे नरेंद्र मोदी की जो लहर बनी थी वो एक बड़ा कारण था। तो अब आप और कुछ कारण ऐसे हो, क्या लग रहा है कि इस बार उन्हें टिकट थोड़ा मिलने की संभावना है? मेरा ये मानना है टिकट की संभावना इसलिए बन रही है कि राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर जी सांसद भिवानी महेंद्रगढ़, और रामविलास जी, तीनों की अब इस समय तिकड़ी बन चुकी है, तीनों इकट्ठे अच्छा। हैं, और इस टिकड़ी में पहले कुछ नए चेहरे भी थे, रमेश कौशिक जैसे अब साइडलाइन हो गए, टिकट नहीं मिला, तो ये जो एक तिकड़ी बनी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर, हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी कि किसी भी तरह इनके जो निजी हित है वो प्रभावित नहीं हो, राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट मिले, धर्मवीर के चाहने से एक दो टिकट मिले,
और रामविलास को खुद टिकट मिले या उनके चाहने से टिकट मिले, और रामविलास शर्मा को अगर रिटायर भी करना हो तो सम्मानजनक विदाई हो, कहीं लाट साहब बन करके वो जाए और उनकी जगह उनकी बेटी या उनके परिवार से कोई आए। बेटे के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं आ रही कि उनको टिकट दी जा सकती है, तो ये मेरा मानना है कि तो टिकट आएगी भी तो रामविलास की बेटी को टिकट आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। महेश जी, आपकी बातों से जो साफ हो रहा है वो ये है कि एक तो वो मार्गदर्शन मंडल में अभी नहीं डाले जा रहे हैं, नंबर वन, और नंबर दो, तीन चार महीने बाद जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले में उनको टिकट मिलना लगभग पक्का है। तो जब उनको टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे, और ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि भाई तीसरी बार भाजपा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, ये तो एक बड़ा दूर सा सवाल हो गया है। और जो लोकसभा के हरियाणा में चुनाव परिणाम रहे हैं उससे तो मुश्किल लगता है, कुछ चलो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यदि भाजपा हरियाणा में इस बार भी सत्ता में लौटी तो क्या इस बार भी वो बेटिंग सीएम रह जाएंगे या उनका नंबर आ सकता है कि वो सीएम हरियाणा के बन जाए और उनकी अंतिम इच्छा ही पूरी हो? गौतम साहब, भाजपा और हरियाणा की राजनीति को हम समझते हैं, एक जीटी रोड बेल्ट है, एक अहिरवाल की बेल्ट है। अहिरवाल की बेल्ट में 11 सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं। हम ये मान लें कि बहुत अच्छे दिन भाजपा के आ गए, जिसकी संभावना नहीं है मुझे, और मान लीजिए अच्छे दिन आ गए, तीसरी बार सत्ता की ओर बढ़ भी गई, तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा 11 में से 11 ही तो अंक ले सकती है। 11 अंक इस बेल्ट में आएगी, इससे तो ऊपर जा ही नहीं सकती। वो भी सब आएंगे जब रामविलास शर्मा, राव इंद्रजीत, धर्मवीर सब मिल करके मन से मेहनत करेंगे। तो उस स्थिति में जब हम देखेंगे तो बहुमत 45 का है, तो 45 में 11 ही तो रहेंगे सारे मिल करके भी, तो भी भारतीय जनता पार्टी 46 रहेंगे, तो भी सारे मिल करके भी भाजपा को आंख नहीं दिखा पाएंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अमित शाह नायब सैनी को कह चुके हैं, नायब सैनी का नाम ले चुके हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और पूरे मीडिया में ये बात आ चुकी है कि नायब सैनी अगले चीफ मिनिस्टर होंगे, और इसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कार्ड खेल रही है, गैर जाट कार्ड खेल रही है। नायब सैनी का चेहरा ही तो आगे किया गया है, तो नायब सैनी को किसी भी सूरत में नहीं बदला जाएगा। अमित शाह की जुबान की कोई कीमत होती है? मोदी के बाद वो सेकंड मैन है और भाजपा के संगठन के बड़े चेहरे हैं, उनकी बात का वजन है, वो कह गए तो नायब सैनी रहेंगे सत्ता में। इसलिए रामविलास शर्मा को कोई इंतजार नहीं करना चाहिए, दूसरे किसी नेता को कोई इंतजार नहीं करना चाहिए। भाजपा अगर बहुमत में आई तो सत्ता नायब सैनी के पास ही जाएगी। अब आप जो बात कर रहे हैं कि भाई भाजपा पूरी तरीके से नॉन जाट वर्सेस अदर्स, यानी जाटों को छोड़कर बाकी सबका साथ रखने के लिए किसी हद तक ओबीसी के मतलब नायब सैनी जी को सीएम बनाया गया, लेकिन देखिए इन चुनावों में कोई माने ना माने, ये तो हकीकत है, जाति राजनीति में एक हकीकत है। लेकिन यदि हम जाति अनुपात की बात करें हरियाणा में, तो सैनियों की जो जितना मुझे पता है या बताई गई है कि कुल 2% आबादी है हरियाणा में, तो इस लिहाज से ये भाजपा नेतृत्व ने जो उनको बनाया, तो मेरी समझ से बाहर के लोग बोलते हैं कि भाई 2% कुल सैनी है। गौतम साहब, एक चीज समझो कि जाति के आधार पर बड़ी पार्टियां, बड़े राजनीतिक दल, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अब बहुत सावधान रहेंगे। वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बागडोर नहीं सौंपेंगे जो प्रदेश में अपना दबदबा कायम कर ले। जैसे मनोहर लाल है, वो गए, आपने कहीं किसी पंजाबी में विरोध देखा? ये तो है। अगर कोई हुड्डा को कांग्रेस निकाल दे तो आप देखते कैसे विरोध होता। शरद पवार जब कांग्रेस छोड़ के गए तो अलग छत्र पैदा हो गए, ममता बनर्जी जब कांग्रेस छोड़कर गई तो अलग छत्र पैदा हो गए। तो अलग छत्र पैदा न हो इसलिए ऐसा चेहरा पार्टी लाती है जो जाति के नाम पर खुद की ही राजनीति आगे ना बढ़ाए, राजनीतिक दल के हित की भी चिंता करे। तो भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी भारतीय जनता पार्टी के हित की चिंता करेंगे, अपनी चिंता नहीं करेंगे, और नायब सैनी को अगर कभी हटाया भी जाएगा तो कोई विद्रोह नहीं होगा। आप भाजपा नेतृत्व जो है
मतलब किसी भी कमजोर मैं कमजोर शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो भाजपा जो ताकतवर जाति के पक्ष में जो लामबद्ध वोट रहे हैं, जैसे हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, तो जो उसके एंटी छोटी छोटी समस्त जातियां हैं उनको एकजुट करती है, ताकि उन जातियों का वोटर एकजुट होकर के, तो जैसे जाट है यहाँ पर, तो गैर जाट भाजपा के पक्ष में एकजुट हो रहा है। तो भाजपा ने अब जैसे ब्राह्मण को अध्यक्ष बना दिया है, मोहनलाल बड़ोली को, और नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। आमतौर पर तो ऐसी स्थिति में जाट को अध्यक्ष बनाना चाहिए, लेकिन एक मैसेज दिया जा रहा है कि सतीश पूनिया को प्रभारी के रूप में जाट बना दिया। ये पहली बार तर्क दिया जा रहा है, कुछ मीडिया के साथी भी दे रहे हैं इस तर्क को कि सतीश पूनिया जाट है, अब दूसरा जो है पद एक ओबीसी को दे दिया और एक ब्राह्मण को दे दिया। नहीं, सतीश पूनिया तो प्रभारी है, उनको तो लगा लीजिए ना, वो तो गवर्नर जैसी भूमिका में है, वो मुख्य धारा में नहीं है। मुख्य धारा में तो दो ही पद है, अध्यक्ष का पद, सत्ता की बागडोर, संगठन की बागडोर, और मुख्यमंत्री सत्ता की बागडोर, दो ही पद महत्वपूर्ण है। दोनों पदों पर जो उन्होंने, एक ओबीसी है एक ब्राह्मण है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जाट को महत्व दिया गया है। पूनिया आए हैं, उनको महत्व वाली बात नहीं कर सकते कि बैलेंस किया गया है। बैलेंस करते तो जाट को कुर्सी सौंपते अध्यक्ष पद की, और जाट भी धाकड़ लाते। जो ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष थे ना, ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष थे, तो उनका चेहरा मोहरा ओरा, ओरा जिसको बोलते हैं, वो टोरा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, वो था। तो वैसा ओरा दूसरे नेताओं का नहीं रहा है। कई बार नायब सैनी विनम्र सेवक हो सकते हैं, पर जो आप जो अध्यक्ष के रूप में जो धनखड़ की भूमिका थी वो मनोहर लाल के कद के बराबर थी। नायब सैनी की जो भूमिका थी अध्यक्ष रहते हुए, वो मनोहर लाल के आप जूनियर पार्टनर की लगा लीजिए, तो वो थी। तो ये फर्क होता है। जो तो वैसे चलते चलते मैं एक दो छोटे सवाल और करना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव सर पर है, तो यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में लौटेगी तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और यदि सत्ता से उसे हाथ धोना पड़ेगा तो उसके लिए क्या कारण बनते हैं। लेकिन एक चीज तीसरी बात मैं और भी रखूंगा कि पिछली मतलब भाजपा बहुमत में तो पिछली बार भी नहीं आई थी, 90 में से उसे 40 सीटें मिली थी, 6 सीट का फिर भी उन्हें टूटा पड़ा था और जुगाड़ करके राज मतलब सत्ता में आई थी भाजपा। तो इन तीन सवालों पर आप कुछ कहना चाहें, उसके बाद भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आएगी तो कांग्रेस की गलती से आएगी, और दूसरा कोई कारण नहीं है। कांग्रेस अब तक संगठन खड़ा नहीं कर पाई है, और संगठन खड़ा कर भी दिया तो इस समय, और टांग खिंचाई शुरू हो गई चुनाव के एन पहले, तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो एक तो कांग्रेस का संगठन नहीं होना, ये भाजपा के लिए वरदान बनेगा। दूसरा, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकेंद्रीकरण नहीं किया शक्तियों का, सारी शक्तियां अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश की, सेंट्रलाइज किया शक्तियों को, तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, भाजपा के चांस बढ़ेंगे। और हुड्डा ऐसा कर सकते हैं कि शक्तियों को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, वह कुमारी शैलजा को साथ लेकर चलने के बजाय वो चाहेंगे कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में रहे, ताकि जब बहुमत आए तो सत्ता निर्विवाद रूप से उनके ही पास आए, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। ये प्रयास कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा, हरियाणा के भाजपा के सबसे कद्दावर नेता रामविलास शर्मा जी के बेटी सीएम भी रह गए, इस बार वो अध्यक्ष भी नहीं बन सके, और वो क्या मार्गदर्शक मंडल में उनको डाला जा रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब हमने महेश बैची से जानने का प्रयास किया, और आप जानते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जवाब दिए, और इससे बढ़िया कोई चर्चा हो नहीं सकती थी जिस तरीके से बैची ने इन सवालों के जवाब दिए। तो दोस्तों, यहीं पर हम आज की परिचर्चा समाप्त करते हैं। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गौतम साहब, काफी दिनों बाद मिलना हुआ, वर्चुअल ही सही। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।